सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू द न्यू व्लॉग। सो आज पंढरपुर में हमारा सेकंड दिन है। यहाँ पे रुके थे, यहाँ पे मतलब सोया था मैं फैमिली मेम्बर के साथ। तो अभी दूसरी तरफ जा रहा हूँ गेस्ट हाउस के, वहाँ पे फ्रेश वगैरह होके फिर देखते क्या सीन होता है। देख रहे हो गाइस, पूरा ये गवर्नमेंट का ये गेस्ट हाउस वगैरह रूम्स है, यहाँ पे बहुत बढ़िया है। अभी आपको सीनरी वगैरह दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, पूरा मतलब पेड़ों के बीच में वगैरह मस्त है एकदम। अभी अपने को जाना है वहाँ पर, एकदम बढ़िया है। चले गाइस, अपना नाश्ता अभी आ गया, चाय और कांदा पोहा। जल्दी से अभी इसको फिनिश करते हैं फिर निकलते आगे। नागालैंड चौक, तो गाइज अभी हम लोग यहाँ पे दरगाह पर आए, पीराची कुरोली दरगाह। तो यहाँ की हिस्ट्री वगैरह जो भी रहेगी हमारे रिलेटिव्स वो बताएंगे। पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर जो पेड़ वगैरह है से बोल रहे ये 200 साल पुराने हैं। तो अभी आपको मैं वो पेड़ दिखाता हूँ। देखो ये है पहला पेड़, 200 साल पुराने पेड़ है ये वाला। ये एक हो गया। आयुषो चढ़ रही तू पेड़ पे, इधर मस्त फोटो आएगा। इस ये भी देखो पेड़ कितने पुराने पुराने हैं। ये देखो गाइस, पूरे पेड़ कनेक्टेड मतलब। तो देखो वहाँ पे अपनी दरगाह दिख रही है, हम इस तरफ आए थोड़ा घूमने। एकदम ऐसा गांव वाला वाइब, मस्त एकदम फुल ग्रीनरी। ये वाली चिड़िया अब दिखती नहीं है ज़्यादा शहरों में, वही है ना। मी आता होतो कोकणा सिंधुदुर्गला, आता गेल्या वर्षी आलो सातारा जिल्ह्यात। आम्ही गाव वाले एरिया में आ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे नदी है, लोगों को नदी दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे छोटे छोटे ये मुर्गी, मुर्गी के बच्चे भी है, दिखाता हूँ। ये देखो कितना मस्त है, कड़कनाथ है क्या वो? कहाँ कड़कनाथ है? कड़कनाथ मुर्गी भाई वही है कि क्या पता नहीं, वही लग रही है। पर पूरा वहाँ नीचे तक गए ये देख, वाह। जाए क्या बोट में? हाँ बजाए क्या बोट में? वाह बोट भी है क्या? हाँ जाए क्या? यहाँ पे बोट भी है देखो, पूरी नदी है यहाँ पे। क्या मस्त व्यू आ रहा है भाई, देखो ये देख गाइस। हम लोग अभी यहाँ नदी के यहाँ नीचे उतर रहे, फुल एडवेंचर। तो आयुषु ने मेरा हाथ पकड़ी है, तो धीरे धीरे हम जा रहे। ओ भाई ओ भाई, वो बोट के एकदम पास अभी जा रहे हैं हम। चलो अरे चल आयुषु धीरे धीरे। खाइए जा, रुको ना। जा रुको, रुको। उतर गए गाइस अपन सक्सेसफुली, आयुषु अपने साथ डर रही थी। वाओ क्या क्या मस्त दिख रहा है यहाँ पे गाइस, क्या मस्त व्यू है यार।
वाह गाइस, ये भीमा रिवर है। जो देखो अंकल मछली पकड़ने की तैयारी कर रहे हैं, नेट तैयार कर रहे हैं वो लोग, यहाँ भी नेट रेडी कर रहे हैं। क्या डालते हैं उसमें? बिल्ली आ गई यहाँ पे। तो ये सुंदर से व्यू को अभी हम करते हैं बाय बाय। वाह मज़ा आ गया गाइस, अभी हम यहाँ पर आ गए, भाई साहब थक गए। वाटर पंप क्या लिखा है पढ़ते हैं। यहाँ से पूरा वाटर पंप होता है शायद और गांव में जाता है। वाओ गाइस, यहाँ से व्यू भी देखो क्या मस्त आ रहा है। मशीनरी है पूरी। गाइस व्यू देखो, जब हम वहां से ऊपर से नीचे आ गए, मस्त फोटो सेशन वगैरह हो गया, मस्त व्यू आ रहा था वहां से, है ना हरीशा? बहुत अच्छा आ रहा था। भाई गांव में आने का मतलब एक अलग ही रहता है। अपन लोग शहर में रहते हैं, गांव में यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं कैसे नहीं अपने को पता ही नहीं। ब्यूटीफुल व्यू था ना उधर। तो अभी हम वापस जा रहे हैं दरगाह के पास। यहाँ पे सब अपना खाना रेडी होते हुए ये बुजुर्गान दीन की खिदमत के लिए सऊदी अरब से निकले। अच्छा, तो तबलीग के लिए निकले और ऐसे ऐसे रिमोट रिमोट जगह जाके बसे। तो ये यहाँ पर बसे, यहाँ नदी का नदी है पीछे, तो नदी के किनारे बसे। तो एक बार ऐसा हुआ कि काफ़ी कुछ काम कर रहे थे मगर लोगों को करिश्मा चाहिए। हजरत के ज़माने से भी उनके लोग भी बोलते थे करिश्मा। तो उनके इनके हयाती में ऐसा हुआ कि ये नदी को बहुत बड़ी बाढ़ आई और बाढ़ आने के बाद में इस तरफ सारे बाहर निकले हुए जानवर, खास करके गाय, दूध वाले गाय बहुत थे, तो ये जानवर एक तरफ डूब गए और जा नहीं पाए। तो इन्होंने दुआ की और पानी नीचे उतरा, सारी गाय अपने अपने घरों में पहुंची। तो ये एक करिश्मा की वजह से काफी लोग इनके मुरीद बने, हाँ मुसलमान बने, बहुत सारे लोग मुसलमान बने। और ये सिलसिला गाय से जुड़ा हुआ था, इसके लिए कि यहाँ पर गाय का गोश्त खाना मना है यहाँ पर। तो गाय की हिफाजत उनके उनसे विनती करके, मतलब ये एक वो हाइपोथेसिस है, इट इज़ नॉट अ थ्योरम, इट्स अ हाइपोथेसिस कि भाई ये इन्होंने गाय से इनका लगाव था तो गाय का गोश्त हम नहीं खाएंगे। तो ये वो है। और इसके बाद में काफ़ी कुछ उनसे लोगों की मदद करे, उन्होंने काफ़ी लोगों को गाइड करे यहाँ के लोगों को, तो सारे लोग इनके मुरीद बने। इनसे इनके फिर इंतकाल के बाद में उनका यहाँ पर एक मज़ार बनाया, वो मज़ार को फिर इन्होंने लोगों ने वो ये दरगाह का शेप दिया। और यहाँ के लोकल जो मराठी लोग हैं वो संत बोलते ना, संस्कृत में संत है, मराठी संत, यह उर्दू में पीर जैसा बोलते हैं, पीर बोलते हैं। और सैयद कमालुद्दीन कादरी, ऐसे दो सेंट है इधर, दो पीर की इधर मज़ारे हैं। आए थे ये पूरी फैमिली के साथ में आए थे, इनके माँ बाप सब साथ में थे। माँ और बाप की मज़ारें बाहर है, बाहर है, बाहर है। एक छोटा सा हिस्ट्री इसकी। तो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं वापस पुणे के लिए। यहाँ पे हमने टाइम स्पेंड किए, खाना वगैरह खाए, तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।
खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।